Good afternoon, students. Welcome to TSN online class. So today we'll start with chapter number 1 from book Beehive. Lesson name is The Fun They Had, and it's your third part. In our previous class, we read that Tommy gets an old book, and then County Inspector comes and fixes the Margie's mechanical teacher. And today we'll start from the 6th point. Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. See, when जब टॉमी पढ़ रहा था, बुक्स रीड कर रहा था, दैट टाइम मार्गी उसको देख रही थी और बोल रही थी, मीन्स मार्गी लाइक वॉट इज एक्साइटिंग अबाउट द स्कूल्स, राइट? से मीन्स शी सेड दे ऑल्सो हैड अ टीचर एंड आई ऑल्सो हैव अ टीचर, तो व्हाट्स द डिफरेंस? तो इस बात को लेकर जो टॉमी है वो बहुत सुपीरियर कनिंग आई से उसकी तरफ देखता है, एंड ही सेड स्टूपिड, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल, और ये सब की बात नहीं हो रही है, थोड़ा डिफरेंट है. हम किसकी बात कर रहे हैं? हंड्रेड ऑफ हंड्रेड ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, पुराने स्कूल की. ओल्ड स्कूल्स कैसे होते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं. एंड ही एडेड लॉफ्टली. सी हेयर, लॉफ्टली मीन्स सुपीरियर वे, बहुत सुपीरियर वे में, बहुत स्टाइल में, और थोड़ा सा एटीट्यूड शो करके वो कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. ही सेड बहुत पुरानी बात है, हंड्रेड एंड हंड्रेड ईयर्स अगो की ये बात है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनी वे दे हैड अ टीचर. सो वो बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट? वो ऐसा मन में सोचती है और बुक्स लेकर, बुक जो बुक होती है वो अपने शोल्डर पर रखती है और कहती है, एनी वे दे हैड अ टीचर, राइट? मीन्स जो टॉमी है वो कहता था कि टॉमी उसको कह रहा था कि डेफिनेटली पीपल हैड टीचर्स हंड्रेड ईयर्स अगो, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, राइट? जैसे हमारे अभी रेगुलर टीचर है, वो वैसे टीचर नहीं थे, थोड़े डिफरेंट थे, अलग थे. मतलब जब हंड्रेड ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं ये लोग, तो तब एक ह्यूमन टीचर थे, और अब इनके पास क्या है, एक रोबोट है, और ये वर्चुअल क्लासेस में ये पढ़ते हैं. ऑलराइट, श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. सो ऑब्वियस है, यहाँ पे टॉमी कहता है कि दे हैड अ टीचर हंड्रेड ईयर्स अगो, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. वो कौन होते थे? मैन होते थे. सो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? And this is very shocking for Margie, कि how can be a man be a teacher, right? कि एक man, एक human कैसे teacher हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and give them homework and ask them questions. So here, Tommy उसे कहता है कि see, बिल्कुल same होते थे, right? They used to teach them and also give them homework and checked. तो जैसे हमको homework मिलता है, हमको पढ़ाया जाता है हमारे teacher के through, जैसे रोबोटिक टीचर होते हैं या मैकेनिकल टीचर के होते हैं, वैसे उनको भी पढ़ाया जाता था एंड उनको भी होमवर्क दिया जाता था. नाउ शी गेट्स द रिप्लाई फाइनली. लुक एट द 7th पॉइंट. अ मैन इजंट इट स्मार्ट इनफ? श्योर ही इज. माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. यह मागी कहती है कि मैन कैन नेवर बी सो मच स्मार्ट, बिकॉज शी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट ना. और वो देन टॉमी उसको रिप्लाई करता है, नो नो, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितने मेरा टीचर जानता है, राइट? तो मैन स्मार्टर हो सकते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा. सी हियर द वर्ड बेचा. बेचा एक थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में यहाँ पे बात हो रही है. बेचा मीन्स आई बेट यू, और आई एम श्योर मीन्स समथिंग जिसके बारे में आप काफ़ी श्योर हो. सो बोलता है कि मैं बहुत श्योर हूँ, आई एम वेरी मच श्योर, राइट? Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. यहाँ पे Margie कहती है कि मैं ना किसी strange person को अपने घर नहीं बुला सकती, और ना मैं उसको बोल सकती मेरे घर आया और मुझे पढ़ाए, तो I don't want, कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए. Tommy screamed with laughter. Tommy जोर जोर से फिर हंसना स्टार्ट करता है. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. यहाँ पे वो Margie को कहता है कि भाई Margie, यहाँ पे टीचर जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, राइट?
दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर मीन्स वो तो अपने घर पे रहते हैं टीचर्स, बट जब हम पढ़ने जाते हैं तो वी हैव अ स्पेशल बिल्डिंग. वो स्पेशल बिल्डिंग क्या होती है? स्कूल, ऑब्वियसली. सो स्कूल में आते हैं सारे किड्स, वहीं जाते हैं और टीचर्स भी वहीं आते हैं एंड दे टीच अस, राइट? तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है. बट एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, श्योर इफ दे वर द सेम एज. सी, अब शी डिडंट हैव फैक्ट्स टू आर्ग्यू और डिबेट विद द टॉमी, राइट? कि अब टॉमी से वो डिबेट कर सके या आर्ग्यू कर सके कि क्या हो रहा है, कैसे बात करनी है, बिकॉज ऑब्वियस है कि वो उससे बड़ा है और उसको ज़्यादा पता है, तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती है उससे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज. अब शी आस्क्ड कि सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते हैं? तो बोलते हैं हाँ, अगर वो सब सेम एज के हैं. सी, दे वुड बी टॉट द सेम थिंग्स, मीन्स ऑल द टीचर वुड बी टॉट द सेम थिंग्स. टॉमी यहाँ बोलता है इफ दे वर ऑन सेम एज, डेफिनेटली दे वुड बी टॉट द सेम थिंग्स. ऑब्वियस है ना, अगर सेम एज के होंगे तो सेम थिंग पढ़ेंगे. जैसे हम लोग सिक्स क्लास में अगर हम हैं तो टीचर हमारे आई क्यू लेवल के अकॉर्डिंग, सिक्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें टीच करते हैं. ऑल राइट, लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ, 8 point. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. So यहाँ पे जो मार्गी की मदर होती हैं वो कहती हैं, शी यूज़ टू टेल मार्गी, राइट, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही टीचर एडजस्ट हो जाते हैं, राइट? बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उनको डिफरेंटली पढ़ाते हैं. Means every student is different, so therefore the teachers have to be adjusted according to them, right? So everyone has different variation to learn and understand. So ye obvious hai aur ye bilkul, this is completely true ki teachers ke according, teacher students ke IQ level ke according hi unko padhaya jata hai. All right, just the same they didn't do it that when then. If you don't like it, you don't have to read the book. But here, यहाँ पे टॉमी बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है इफ़ यू आर नॉट ओके विद द फैक्ट देन डोंट रीड द बुक, नो नीड टू रीड द बुक. वो इस तरीके से बोलता है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्गी सेड क्विकली. बट मार्गी क्विकली मेंशन करती है, नो, आई डिडंट से और आई डिडंट लाइक मीन इट और आई डिडंट लाइक इट. ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करती और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है. बस उसे वो बहुत क्यूरियस होती है टू नो अबाउट द फनी फैक्ट्स ऑफ स्कूल्स. द वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागीज स्कूल. जैसे ही वो हाफ फिनिश भी नहीं करती है, क्विकली मागी की मदर उसे कॉल करती है, मागी द स्कूल टाइम. तो मागी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, वो कहती है नो ममा अभी नहीं, नॉट येट, नाउ सेड मिसेस जोन. देन मिसेस जोन, नो अभी आओ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मे बी टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया होगा. मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. देन मागी बोलते हैं चलो मैं आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारी बुक्स और पढ़ सकती हूँ. लुक एट द 9th point. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली. सी द वर्ड नॉन चैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, राइट? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसने नहीं कहा, उसने कहा हाँ ठीक है मे बी. He walked away whistling. वो whistling करता हुआ ऐसे धीरे से बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है. The dusty old book tucked beneath his arm. और अपने आर्म के हाथ आर्म्स के साइड से ऐसे उसको बुक को टक करके और वो वहाँ से he went away. Maggie went into the school room. It was right next to her bedroom. And the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मागी का स्कूल, जैसे हमारा स्कूल जो होते हैं वो तो काफ़ी दूर होते हैं हमारे घर से, बट मागी का स्कूल कैसा स्कूल था? नेक्स्ट हर बेडरूम, मतलब बिल्कुल जो नेक्स्ट नियरेस्ट उसके बेडरूम के जो पास वाला रूम होता है वही उसका स्कूल रूम होता है. मैकेनिकल टीचर ईगरली वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे और संडे. तो सैटरडे और संडे को छोड़कर हर दिन उनकी पढ़ाई होती थी. मे बी सैटरडे और संडे ऑफ रहता होगा, छुट्टी होती होगी. ओके okay, now look at the next paragraph. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. Uski maa kehti thi, mother kehti thi ki agar bacche apne regular time pe padhenge to wo better seekh sakte hain, they learn better. Okay, the screen was lit up.
and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot. So, जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर्स ऑन करते हो, सिस्टम्स ऑन करते हो, एक लिट अप होता है, एक लाइट जलती है, ब्राइटनेस आ जाती है, वैसे ही जो अपना कंप्यूटर ऑन करती है, अपने मैकेनिकल टीचर को ऑन करती है, एक लिट अप हो जाता है, एक लाइट आती है, एक ब्राइटनेस आती है. एंड द मैकेनिकल टीचर टोल्ड हर कि चलो आज क्या है, अर्थमैटिक मीन्स मैथमेटिकल चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, एडिशंस वगैरह करेंगे, और जो भी होमवर्क तुम्हें दिया था वो अब तुम होमवर्क इंसर्ट करो, मीन्स एक प्रॉपर स्लॉट पे अपना होमवर्क इंसर्ट करो. मागी डिड सो विद अ साय. मागी अब एक टेक अ डीप ब्रीथ करती है, ठीक है, अब वो आगे करती है और नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, बट स्टिल उसका ध्यान कहीं और होता है. वो अभी भी किसके बारे में सोच रही होती है, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, मींस वो कब के बारे में सोच रही, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब छोटे होते थे तब के बारे में वो सोच रही होती है, मतलब इमेजिनेशन में वो चले जाती है. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. सी यूजुअली जैसा कि हम अभी करते हैं, राइट, वैसा सेम वो सब कुछ सोचते हैं कि चलो कैसे पास में सारे बच्चे साथ में आते होंगे, साथ में स्कूल जाते होंगे, लंच शेयर करते होंगे, स्कूल यार्ड से बाहर आते होंगे, स्कूल रूम में जाते होंगे, तो वो सब हैपनिंग थिंग्स सोचकर वो हैप्पी हो रही होती है. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज दे लर्न द सेम थिंग. अगर आप लोग अभी आप सब एक क्लास के हो, अभी आप सब नाइन्थ स्टैंडर्ड में, सब एक जैसी चीज़ पढ़ते हो, तो प्रॉबेबली आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो. तो ये वो सोचती थी कितना अच्छा होता कि अगर मैं भी ऐसे करती तो मैं मेरी भी हेल्प हो जाती. एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर कौन होते थे, पीपल होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल फ्लैश करते, जैसे समटाइम्स आप क्लासरूम में होते हो और फिजिकली तो यू वर प्रेजेंट देयर बट मेंटली यू आर नॉट, तो टीचर क्विकली आपको बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी कहाँ ध्यान है, बोलते हैं ना टीचर्स, वैसे ही एक लिटअप होती है, एक फ्लैशिंग होती है. व्हेन वी एट फ्रैक्शन हाफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम फ्रैक्शन कर रहे हैं. तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल. तो वो सोचते कि ओल्ड स्कूल में बच्चे कितना लव करते होंगे स्कूल से, कैसा होता होगा, वो पूरे अपने इमेजिनेशन में गुम हो जाते हैं. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सिर्फ क्या सोचती है कि वो कैसा फन करते थे, कैसे रहते थे. तो इट्स ऑल अबाउट this chapter. So thank you, I hope you all understand. Thank you.